हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मयू डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैंने कम से कम 3-4 पोस्ट भी अपलोड किए, शॉर्ट्स भी बनाए, लेकिन व्यू आना में बहुत मुश्किल है दोस्तों। हम जैसे सोचते हैं ऐसे ब्लॉग वायरल नहीं होते। मैंने ट्राई किया, देखा, बहुत मुश्किल है। सल्यूट है सौरभ जोशी जैसे डेली ब्लॉगर को, कि कसम से वो बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत को रियल में सल्यूट करने की मन हो रहा है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो दोस्तों। तो जो भी ट्राई करे, न्यू ब्लॉगर है दोस्तों, उनको सपोर्ट करो, उनको सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है मेरे मायने में। मैं तो डेली सब ब्लॉगर को सब्सक्राइब कर ही देता हूँ जो न्यू ब्लॉगर है। ओल्ड ब्लॉगर तो ऑलरेडी मेरे में सब्सक्राइबर है ही, तो मैं लाइक भी करता हूँ, शेयर भी करता हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ, कमेंट तो मैं हर वीडियो में करता हूँ दोस्तों जो मेरे सब्सक्राइबर है। तो आप भी ऐसी कुछ सोच रखो दोस्तों, सब्सक्राइबर करने में कसम से कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि कुछ लोगों को जो बहुत हेल्प हो जाती है। और मेरी बात तो कोई इश्यू नहीं है, मैं पेमेंट के लिए व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, बस एंटरटेनमेंट के लिए व्लॉग बना रहा हूँ। मेरे को अच्छा लगता है रियली व्लॉग बनाना, कोशिश करता हूँ, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है, व्यू नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा दुख हो रहा है। तो मेरे जैसे कई कितने भी बंदे हो गए दोस्तों जिनको व्यू नहीं आते, वो सक्सेस नहीं होते दोस्तों। कम से कम वो 2 साल 1 साल बर्बाद करते हैं व्लॉग बनाने में। तो हम लोगों को सोचना चाहिए उन लोगों के बारे में, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत भी करते हैं और उनको सफलता मिलनी चाहिए दोस्तों। 12 महीना 1 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है दोस्तों। वो जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमको भी उनको सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों। तो जितना हो सके उतना लोगों को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, जितना हो सके लोगों की हेल्प कीजिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब किया हुआ कदम लोगों को बहुत हेल्प करवा सकता है दोस्तों। जिसको कसम से बहुत गरीब लोग है, जिसको व्लॉग बनाना है, उनको पेमेंट के लिए भी व्लॉग बनाते हैं दोस्तों। जिनका घरों में तकलीफ होती है आर्थिक रीते, हर तरीके से उनको बहुत मदद मिल जाएगी दोस्तों। तो ये एक नेक काम है आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों सबको। और मेरे तो चैनल में व्लॉग न बनाते हो ना तो वायरल तो होते नहीं है, कोशिश भी करते तो व्यू ज़्यादा नहीं आते। तो मेरे को तो पेमेंट का कोई इश्यू नहीं है, मैं तो भगवान ईश्वर की खुदा की कृपा है, मैं हर महीने कम से कम 15-18 हज़ार सैलरी में से कमा लेता हूँ, तो मेरा घर चल जाता है, खर्चा निकल जाता है घर का। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग हैं जिनको अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, माँ बाप की दवाइयों का खर्चा, बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब, शेयर और लाइक उन सबको कर दिया करो जो न्यू ब्लॉगर है, उनको आपकी मदद की बहुत ज़रूरत होती है। ये बस मेरे मन की बात है जो मैं आप लोगों को तक पहुंचा रहा हूँ दोस्तों, तो ये बात इग्नोर मत करना, जितना हो सके उतना शेयर भी करना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना दोस्तों। और बात कर रहा था मैं ये सोच रहा था कि सौरभ जोशी जैसे ब्लॉगर है, वो बहुत भले वो मेहनत करते हैं, उनके इतना व्यू भी आते हैं, वो ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हर लोग इतने खुशकिस्मत भी नहीं होते। तो ये बात भी ज़रूरी थी तो आप लोगों को बता दिया मैंने। और दूसरी एक बात बता दूँ आपको कि ये जो कसम से अपनी ड्यूटी नौकरी छोड़ के जो व्लॉग बनाते हैं दोस्तों, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। व्लॉग बनाने के लिए पार्ट टाइम निकाल लेना चाहिए, बाकी कोई ना कोई नौकरी कर देनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कोई इनकम का जरिया होगा तभी तो घर परिवार में उनकी तरफ से मदद मिलेगी। और अपना फ्यूचर यूट्यूब में बर्बाद मत करो। हाँ, पार्ट टाइम निकाल के आप ब्लॉग बना सकते हो, कोई बात नहीं है, जब टाइम मिले तब ब्लॉग बनाओ, इतना तो टाइम हो जाता है दोस्तों। क्योंकि डेली में 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप काम काज मत छोड़ो दोस्तों। जितना हो सके 8 घंटा 12 घंटा तो ड्यूटी करो करो और करो, काम जरूरी है। वो एक हर मंथली के डेली पेमेंट आने की पूरी संभावना गारंटी के साथ होती है, तो उसके आपके घर वाले परिवार को बहुत सपोर्ट मिलता है। वो जिनके कंधे पे पूरा बोझ होता है ना दोस्तों, उनका हालत में समझता हूँ, कैसे घर चलाना पड़ता है, कैसे फैमिली को उनके सपने पूरे करने पड़ते हैं, कितना हालत ख़राब होता है, बहुत ही मुश्किल वाला काम काज होता है।
तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा सबसे कि भाई कामकाज मत छोड़ो, 8 घंटे काम कर लिया करो। भले आप 12 घंटे काम नहीं कर पाते हो, 8 घंटे काम कर लिया करो, लेकिन कोई ना कोई जॉब या नौकरी तो जरूर करो। यूट्यूब के चक्कर में दोस्तों अपना टाइम बर्बाद मत करो। आ साइड में आप बनाओ ब्लॉग, कोई बात नहीं। सक्सेस होने के बाद आप चाहो ना तो नौकरी छोड़ सकते हो, लेकिन पहले नौकरी मत छोड़ो दोस्तों, पहले नौकरी मत छोड़ो। कम से कम थर्ड पेमेंट फोर्थ पेमेंट आ जाए ना, तब तक तो नौकरी मत ही छोड़ो। जिम्मेदारी निभाओ दोस्तों। चलो बस इतना ही बोलना था।